संसद में लगातार दूसरे दिन भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे को लेकर हंगामा जारी है। एसआईटी की रिपोर्ट हो या फिर पत्रकार के साथ बदसलूकी का मामला, विपक्ष लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के लखीमपुर मामले सेक्शन को लेकर इस्तीफा मांग रहा है। बातचीत करेंगे हमारे साथ नवोदय टाइम्स पंजाब के से ग्रुप के संपादक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। जानेंगे उनसे टेनी का इस्तीफा आखिर टल क्यों रहा है, क्या वाकई टेनी के इस्तीफे के पीछे कोई पेच है या फिर विपक्ष की मांग में उतना दम नहीं, इसको लेकर बीजेपी गंभीर भी नजर आए। सर स्वागत है आपका। शुक्रिया। जी सर, राहुल गांधी ने भी आज कहा है कि इस्तीफे से कम पर विपक्ष पीछे नहीं हटेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भी विधानसभा का सेशन चल रहा है, समाजवादी पार्टी हो कांग्रेस हो, दोनों वहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन आपको लगता है कि सरकार उतनी ज्यादा दबाव में अभी नहीं कि विपक्ष की बात मान ले और अपने मंत्री का इस्तीफा ले ले, या कुछ और ही सरकार क्या चल रहा है? देखिए, हमें ये समझना होगा कि ये इस्तीफा क्यों मांग किया जा रहा है। आपको याद होगा, जब ये घटना हुई थी तब वहां किसानों का आंदोलन चल रहा था, किसानों की एक सभा होनी थी और सभा के दौरान, सभा के साथ में एक जो जीप थी, उस जीप से थार नाम की जीप, और उस जीप के से कुछ किसानों को कुचला गया था। पहले ये शब्द आया था कि दुर्घटना हुई थी, और फिर बाद में जब तथ्य आए तो उसमें ये एसआईटी की रिपोर्ट में भी आया कि कुचला गया था। ये कुचलना जो था वो पहले भी जो वीडियो चल रहे थे उनसे बहुत स्पष्ट होता था कि ये आम आदमी नहीं चला रहा है, ये दुर्घटना से नहीं हो रहा है, बल्कि ये कहीं गुस्सा है, ये कहीं नाराजगी है, जिस वजह से ये किया जा रहा है। अब वजह तो उसकी अभी स्पष्ट नहीं थी कि विरोधियों को सबक सिखाना था या अपनी पार्टी के लोगों को ही सबक सिखाना था या स्थानीय किसानों को सबक सिखाना था, लेकिन ये साफ लग गया था जिस रफ्तार से आप आमतौर पे जब आप किसी रैली या किसी जहां पर रैली होने वाली वहां पर जाते हैं तो ये देखा जाता है कि अगल बगल कौन चल रहा है, नहीं चल रहा, और सामान्य तौर पर यही होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो जो स्पीड थी थार की, और जिस गुंडई से, जिसे कह सकते हैं, लोग निकले थे, वो साफ लग रहा था कि उसमें ये जानबूझ के किया जा रहा था। खैर, क्योंकि राजनीति थी तो एकदम से कहा नहीं जा सकता कि आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि मंत्री का बेटा था, अब उसमें मंत्री की जिम्मेदारी भी बन जाती है। तो बाद में जब एसआईटी भी किसी विपक्ष की सरकार ने नहीं की थी गठित, वो योगी सरकार द्वारा गठित की गई थी, तो ऐसी स्थिति में ये बात दूसरी कि संसद सुप्रीम कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे सब काम चल रहा था, तो जब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई तो कोई अगर मगर की संभावना नहीं बचती है। और उसमें साफ ये कहा गया था कि ये गैर इरादतन बात दुर्घटना नहीं है, ये इरादतन घटना है, दुर्घटना में नहीं, इरादतन घटना है। तो उसमें निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में मंत्री महोदय के पुत्र का तो जो कुछ होना था वो हो ही रहा है, मंत्री महोदय को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जहां तक बात आप समझते हैं कि इस्तीफा देना चाहिए और क्यों नहीं हो रहा, क्या है, तो मुझे लगता है अभी ये बात कुछ घंटे की रह गई है। निश्चित रूप से जिस तरीके से कल अजय मिश्रा टेनी को बुलाया गया है, जो गृह राज्य मंत्री भी हैं, और बुलाने का मतलब यही है, आप इसके काउंटर में सवाल ये पूछ सकते हैं, या आप निश्चित रूप से आप तैयार होंगे कि आपने क्या सवाल किया, फिर मैं और आगे आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। एक सवाल तो यही है कि आपने कहा कि चूंकि मंत्री के बेटे हैं तो क्या बेटे की करतूत की सजा मंत्री को मिलनी चाहिए, ये जायज है बात? बेटे की करतूत की सजा मंत्री को मिलनी चाहिए। अब आप भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमें मिलती ही मिलती है, बाप के कर्मों की सजा बेटे को मिलती है, बेटे के कर्मों की सजा बाप को मिलती है। जब फल पाना होता है बेटे को तो वह बेटा हो जाता है, मंत्री है इसलिए विधायक और सांसद बनना है तब बेटा हो जाएगा, लेकिन अगर वो दुष्कर्म में पाए जाएंगे, गलती करेंगे, बदमाशी करेंगे तो बेटा नहीं होगा, ये नहीं होता। राजनीति में, नैतिकता बहुत बड़ी चीज होती है, और राजनीति, भारतीय राजनीति उसी से चलती है। आप किसी
भारतीय राजनीति जो है एक जमाने में वो भी हुआ करती थी 40 साल पहले 30 साल पहले तक, कि रेल दुर्घटना हो जाती थी, मंत्री इस्तीफा दे देता था। क्यों देता था? कि मंत्री तो नहीं करने जा रहा है, वो तो वहां उसका ड्राइवर और गार्ड जिम्मेदार होता था। उसी तरीके से जितने भी घोटाले होते हैं, सीधे घोटाले में मंत्री नहीं लिप्त होता है, पैसा लेने देने में नहीं होता है, लेकिन वो उसको देना ही पड़ता है, तो देना ही चाहिए इस्तीफा, और इसमें कोई दो राय नैतिकता के नहीं है। आधार पर इसी क्यों? जी क्योंकि बिल्कुल, अब सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं उनसे इस्तीफा ले रहे हैं, या अब तक उनको क्यों नहीं मैसेज दिया गया कि इस्तीफा दे दीजिए? और अगर वो उसके बाद भी नहीं मानता है, वो आदमी अजय मिश्रा टेनी जिस तरीके का कल व्यवहार कर रहे थे, वो बहुत ही बेवकूफी भरा था, गलत था। जबकि व्यक्तिगत रूप से जितना मैं जानता हूं, अजय मिश्रा टेनी एक बहुत संयत किस्म के आदमी रहे हैं, एक उनका जो व्यक्तिगत व्यवहार रहा है वो कोई ऐसा नहीं रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत व्यवहार की कोई मायने नहीं रखते हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं देना दे रहे हैं तो उनसे इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए। अब एक सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री अभी तक क्यों नहीं उनसे कह रहे हैं, ये एक सवाल है। सर अभी उसमें मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सवाल है, मुझे उस पर लगता भी अभी है ये बहुत आएंगे सर। बड़ा क्या सवाल है। बीजेपी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि मामला अभी सब जुडिशियल है, मामला कोर्ट में चल रहा है, सिर्फ अभी रिपोर्ट आई है, पूरी तरह से दोषी नहीं कह सकते, क्या एक ये भी वजह है इसलिए भी अभी इस्तीफे को थोड़ा डिले किया जा रहा है? एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है तो आप दोषी क्या, मतलब आप अगर एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर की रिपोर्ट के बाद में एक रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट के बाद अब बचता क्या है? अब वो फाइनल कोर्ट का फैसला बचता है या एक और कार्रवाई बचती है, तो वो एक होती रहेगी। परसेप्शन क्या बन रहा है और हालात क्या है? परसेप्शन ये बन रहा है कि वो एक बदमाशी की उन्होंने जानबूझ के की और उससे किसानों की मौत हुई है, तो ऐसी स्थिति में मुकदमा मंत्री पे तो नहीं चलेगा, मुकदमा तो बेटे पे ही चलेगा ना। तो लेकिन क्योंकि मंत्री आप हैं और मंत्री और वो भी गृह राज्य मंत्री हैं, केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं, तो आप जांच को प्रभावित कर सकते हैं, तो ऐसे में उनको स्वतः इस्तीफा देना चाहिए। मैं जो कह रहा था कि अजय मिश्रा व्यवहार कुशल हैं, बाकी सब चीजें ठीक हैं उनकी, लेकिन इस समय क्योंकि वो फंसते नजर आ रहे हैं, उनका बेटा फंसता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए उस उधेड़ बुन में भी उन्होंने ऐसी हरकतें की होंगी जो कल परसों पत्रकारों के साथ में हुई है और लोगों के साथ में हुई है, लेकिन वो अक्षम्य है, ऐसा आप नहीं कर सकते। सार्वजनिक जीवन में है तो आपको व्यवहार मतलब आपको अच्छा रखना ही पड़ना, ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाएं तो आप मोटी चमड़ी के हो जाएं, और जब आप पे मतलब आपकी बीमारी हो जाए तो आप मोटी चमड़ी के नहीं रहें, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए तो वो अजय मिश्रा टेनी को हर हाल में इस्तीफा दे देना चाहिए, और प्रधानमंत्री के जहां तक सवाल है जिसको मैं बार बार कहना चाह रहा था, उनको तो ले ही लेना चाहिए इस्तीफा। वजह उसकी यह है कि डैमेज कंट्रोल आप कितनी देर तक रोकेंगे, जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी अपने फैसले को ना वापस लेने के लिए मशहूर हैं, जिन्होंने किसानों का फैसला किसानों के हित में या राजनीतिक हालात के चलते लिया है वापस, तो ऐसे में एक आदमी जो मंत्री है, स्टेट मिनिस्टर है, जिसका एक अपने एरिया में हो सकता है प्रभाव हो, लेकिन उसको आप उससे इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? क्यों एक गुस्सा किसानों में बढ़ा रहे हैं इस बात को लेकर के? जब आप किसानों के गुस्से को शांत करने में इस समय लगे हुए हैं, तो ऐसी हालत में चाहे वो दोषी हो नहीं हो, रिपोर्ट आगे क्या आएगी नहीं आएगी ये एक अलग सवाल है, अलग सवाल। लेकिन क्योंकि मंत्री का बेटा उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हर हाल में उनको उनको इस्तीफा देना चाहिए। जी जी सर, आपने कहा कि इस्तीफा ले लेना चाहिए, लेकिन इस्तीफा अभी तक लिया नहीं गया है। यूपी चुनाव में जिस तरह से समीकरण बन रही है, और आपने भी कहा हो सकता है क्षेत्र में प्रभाव हो अजय मिश्र टेनी का, क्या वाकई ऐसा भी कुछ है कि यूपी चुनावों के कुछ समीकरण ऐसे हैं जो टेनी के इस्तीफे से गड़बड़ा सकते हैं, इसलिए भी बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है? तय बात है, क्योंकि लखीमपुर खीरी का जिस तरीके का तराई का इलाका है, वहां उनका एक अलग प्रभाव होगा। ऐसे इलाके में
राजनीति करना बहुत आसान नहीं होता, मैं बताऊं आपको। वहां पर दबंगई की भी जरूरत होती है और बाकी समीकरणों की भी जरूरत होती है। हो सकता है कि अजय मिश्रा टेनी अन्य समीकरणों में ठीक बैठते हो, फिट बैठते हो, लेकिन यहाँ अजय मिश्रा टेनी की राजनीति का अभी, क्योंकि वक्त काफी बाकी है और उनके बच्चे के लिए और बाकी है, तो ये उनकी अक्लमंदी होनी चाहिए कि समय के हालात की स्थितियों को देखते हुए वो अपने समर्थकों को समझाएं, अपने लोगों को समझाएं कि नहीं, मैं पार्टी हित में इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी ऐसा नहीं होता है कि आप पार्टी में रहते हुए इस्तीफा नहीं दे सकते हैं, रहे, और कोई जरूरी नहीं कि अगर पार्टी उनसे कह रही है कि इस्तीफा दे तो वो अलग चले जाएं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हालात है, स्थितियां खराब हैं, तो उनको अपने समर्थकों को भी समझाना होगा, जो जो हो सकता है थोड़ा तो भिदके उनके इस्तीफे के बाद, लेकिन इस्तीफे के अलावा कोई और रास्ता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, अपने समर्थकों, उनके समर्थकों के लिहाज से भी और भारतीय जनता पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ भी ये बात जाती कि इस्तीफा ना दे। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि जी अजय मिश्रा टेनी ही वहां वोट देने वाले हैं, उनके जाति या उनके लोग ही वोट देने वाले, वहां पर अजय मिश्रा के अलावा भी बहुत से भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भी होंगे, वो भी वोट देते हैं। तो ये उनको ध्यान में रखते हुए और पूरे देश की, प्रदेश की राजनीति को ध्यान में रखते हुए उनको इस्तीफा देना ही चाहिए। जी चलिए जी बिल्कुल सर, देखना होगा इस्तीफा कब होता है। हालांकि आपने भी साफ किया है कि इस्तीफे को लंबा टालना पार्टी के हित में भी नहीं होगा, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट अपने आप में काफी कुछ बयां करती है। और जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठोर फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, ऐसे में अजय मिश्र का इस्तीफा लंबे समय तक रोक रखना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी देने के लिए। क्या राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं और आखिर इस्तीफे के टलने की फिलहाल वजह भी क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया।